नमस्कार, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आप जुड़ चुके हैं सीधा मेरे साथ नेशनल न्यूज स्टोरी पर, मैं सोनम चड्डा। रुक करते हैं अभी तक की आई हुई खबरों की तरफ, देखेंगे हापुड़ में क्या है आज के मुख्य समाचार। तो सीधा वक्त जाया न करते हुए रुक करते हैं खबर की। लगातार उत्तर प्रदेश की ये नई पहल, बता दें आपको कि स्वामी विवेकानंद लॉ कॉलेज में हुआ टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण। जरोठी स्थित स्वामी विवेकानंद लॉ कॉलेज में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मोहित बेनीवाल के द्वारा टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण किया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा, यह बहुत ही अच्छी पहल है कि छात्राओं को आधुनिकीकरण से जोड़ने के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। छात्र छात्राओं को भी चाहिए इन उपकरणों का उचित इस्तेमाल कर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। साथ में ये भी बता दें कि जिला अध्यक्ष उमेश राणा यहाँ पर विपक्ष पर तंज कसते हुए नजर आए और कहा कि पिछली सरकार में भी टैबलेट का वितरण किया गया था, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी खराब थी कि एक या दो महीने चलने के उपरांत ही छात्राओं को वे बेचना पड़ गया। हमारी सरकार ने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि छात्र छात्राओं को भी उपकरण उपलब्ध कराए जाए, वह उच्च क्वालिटी के हों, जिससे कि अधिक से अधिक उनकी पढ़ाई में वह कारगर साबित हो सके। जिला प्रभारी मान सिंह गोस्वामी ने भी कहा कि सरकार की मुहिम बहुत ही प्रशंसनीय है, जिसने यह सोचा कि आधुनिक समय में किस प्रकार से छात्र छात्राओं पढ़ाई करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। सरकार का कहना है कि हमारा हर संभव प्रयास रहता है कि छात्र छात्राओं का भविष्य किस प्रकार उज्जवल किया जा सके। इस अवसर पर कॉलेज प्रबंधक डॉक्टर विकास अग्रवाल, डॉक्टर विपिन गुप्ता, भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रमोद नागर, क्षेत्रीय मंत्री कविता माद्रे, जिला महामंत्री मोहन सिंह, पुनीत गोयल, कोषाध्यक्ष कपिल सिंह, व्यापारी गोष्ठ के जिला संयोजक अशोक बबली आदि सभी लोग उपस्थित रहे। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश सरकार की यह डिजिटल योजना सरकार के निरंतर प्रयास को देखते हुए छात्र छात्राओं को आधुनिकीकरण से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह योजना देखने को भी मिल रही है। जगह जगह कॉलेजों पर मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, टैबलेट आदि वितरण कर छात्र छात्राओं को अवगत कराया जा रहा है कि किस प्रकार छात्र छात्राओं को आधुनिकीकरण से जोड़ने के लिए आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। फिलहाल अभी तक के लिए इस खबर में इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देश और दुनिया की हर तमाम छोटी बड़ी अपडेट देखने के लिए जुड़े रहे नेशनल न्यूज स्टोरी पर। नमस्कार। देखा आपने क्या कुछ था खबर में, क्या कुछ है आपकी प्रतिक्रिया खबर को लेकर, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप भी अपने सवाल जवाब साझा कर सकते हैं हमसे। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक जुड़े रहे नेशनल स्टोरी पर, देश और दुनिया की हर तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए नमस्कार।